प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगह से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला में संचार पहल 100% से परे का सत्र आयोजित। IGH में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित। और एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर बेहरा। समाचार विस्तार से। सेल रालक्लेस्पा संयंत्र के अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला R&C लैब के कर्मचारियों के लिए 1 अक्टूबर 2021 को विभाग के मुख्य सम्मेलन कक्ष में 100% से परे श्रृंखला का एक व्याख्यान और प्रस्तुतिकरण सत्र आयोजित किया गया। सत्र की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता श्री अतीश चंद्र सरकार ने की। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सरकार ने नेतृत्व के महत्व पर प्रकाश डाला और बेहतर लाभप्रदता के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पर जोर दिया। उन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कंपनी के लागत घटकों के प्रमुख क्षेत्रों को निर्धारित करने में R&C लैब की भूमिका की व्याख्या की। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा पर सत्र का संचालन OCT RCL सुश्री अंकिता दास द्वारा किया गया, जबकि लागत जागरूकता पर व्याख्यान उप महाप्रबंधक RCL श्री कुंतल पटवारी द्वारा किया गया। सहायक महाप्रबंधक RCL श्री BK गिरी ने सामग्री के यांत्रिक परीक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की, जबकि धन निर्माण और नेतृत्व पर सत्र महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा विपणन श्री R ढोलियाल द्वारा लिया गया था। इसके बाद विचार विमर्श सत्र में सभी ने खुलकर चर्चा की। कार्यक्रम का समापन सहायक महाप्रबंधक RCL सुश्री निवेदिता सामल के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। वरिष्ठ प्रबंधक RCL श्री असित कुमार दास ने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि संयंत्र के अंदर विभिन्न प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों के लिए सीखने की संस्कृति, ज्ञान साझा करने, अभिनव सोच और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साप्ताहिकी संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है। सेल रालक्लेस्पा संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर को युवा छात्र व संघ राउरकेला शाखा और रक्तधारा के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। CMO M&HS डॉक्टर NP साहू ने समारोह की अध्यक्षता की और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने मुख्य महाप्रबंधक SMS 2 श्री S माझी और मुख्य महाप्रबंधक कोकोवेन श्री I राजन को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर अतिरिक्त CMO M&HS डॉक्टर प्रतिभा कुमारी बेहरा, अतिरिक्त CMO और अध्यक्ष IMA M&HS डॉक्टर PK महापात्र, सलाहकार M&HS डॉक्टर पंकज दास और IGH के कई वरिष्ठ डॉक्टर और कर्मचारी उपस्थित थे। समारोह में YHAI के उपाध्यक्ष श्री PK स्वाई, रक्तधारा के महासचिव श्री निरंजन सामल, अनुभवी रक्तदाता और YHAI एवं रक्तधारा के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रत्येक रक्तदाताओं को एक प्रतीक उपहार और प्रमाण पत्र दिए गए। शिविर में स्वैच्छिक रक्तदाताओं से 23 यूनिट्स रक्त संग्रह किए गए। सलाहकार M&HS डॉक्टर पंकज कुमार ने संबोधित किया और कार्यक्रम का संचालन भी किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में सेल रालक्लेस्पा संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम माने जाने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज का व्यक्तित्व है चंद्रशेखर बेहरा। चंद्रशेखर बेहरा का जन्म 20 मई 1973 को संबलपुर टाउन के पास धनगौड़ा गांव में हुआ था। वह संबलपुर में पहले वकील थे और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदार थे। उन्होंने संबलपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया और अपनी गतिविधियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय सदस्य होने के नाते वे कई बार जेल गए। उन्होंने ओडिशा के लिए अलग राज्य के गठन में उत्कल सम्मेलन की गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वह गोपबंधु दास द्वारा स्थापित सत्यबाड़ी वन विद्यालय की तर्ज पर शुरू किए गए संबलपुर के राष्ट्रीय स्कूल के संस्थापक सदस्य थे।
संबलपुर नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 1928 में संबलपुर में गांधी जी की अगवानी की। निरक्षरता और अस्पृश्यता के खिलाफ 1 जून आंदोलन का आयोजन किया। 23 जनवरी 1936 को चंद्रशेखर ने अंतिम सांस ली। अंत में हम दर्शकों के लिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे। आसपास के क्षेत्रों में जल संचय और जल जमाव को रोके से बचे। पानी की टंकियों, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ड्रिप ट्रे की सप्ताहिक की सफाई सुनिश्चित करें। पानी के कंटेनरों और गली ट्रैप को अच्छी तरह से ढक कर रखें। मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को कीटाणु रहित करें और मच्छरदानी का उपयोग करें। सुरक्षित और स्वस्थ रहें और राउरकेला को एक बेहतर सुरक्षित स्थान बनाएं। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।